जाने के बाद वो लोग समझ लीजिए दो दिन के डिफरेंस से चल रहे हैं, फिर आप वहाँ से यहाँ आते हैं, तो जब आप यहाँ से गए तो आपका रोज़ा दसवां था समझ लीजिए या तीसरा चौथा था, जब आप वहाँ पहुँचे तो छठा रोज़ा उनका चल रहा था, ईद हो गई उसके हिसाब से। तो जो रोज़े कम हुए वो आपको बाद रमज़ान ख़ज़ा करने होंगे। और अगर आप वहाँ से यहाँ आए तो वहाँ ऑलरेडी 15 रख चुके थे, इंडिया आए तो इंडिया में चल रहा था 13वां, तो आप फिर दो पीछे चले गए, तो वहाँ से यहाँ आएंगे तो भी आप पूरे रोज़े रखेंगे यहाँ जितने लोग रखेंगे, और ईद यहाँ के लोगों के साथ ही मनाएंगे, गो आपके वो जायद रोज़े नफिल होंगे, लेकिन आपको खाने पीने की इजाज़त उसमें नहीं दी जाएंगी, याद रखिए। समझा? रमज़ान के में अगर कोई इंसान मजबूरन रोज़ा छोड़े तो भी उसको किसी के सामने खाने पीने की इजाज़त नहीं होती, याद रखिए।